के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं यानी कि बिपिन रावत जी की। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस साल इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 2022 में जो हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे हम लोग पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं, उससे भी बिपिन रावत जी को सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे हमारे देश की जो 11 महारत्न कंपनियां हैं इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, तो कृपया करके इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो प्रमोद अग्रवाल इसके CMD हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, जिसे हम लोग ONGC के नाम से जानते हैं। तो इसके हमारे जो अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर सुभाष कुमार था, लेकिन जनवरी महीने में डॉक्टर अलका मित्तल हमारे ONGC की पहली महिला CMD बन गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ONGC का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि व्हील की। तो नलिन सिंघल इस समय इसके प्रमुख हैं यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसके हमारे CMD मनोज जैन हैं और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, श्रीकांत माधव वैद्य इसके इस समय अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सोमा मंडल इस कंपनी की हमारी CMD हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं NTPC लिमिटेड की। तो NTPC लिमिटेड के जो हमारे इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम गुरदीप सिंह है और ये आपको मिलेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। आगे बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की, अरुण कुमार सिंह इसके हमारे प्रमुख हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि SPCL की। तो मुकेश कुमार सुराना इसके अध्यक्ष हैं, हालांकि इनके स्थान पर अब पुष्प कुमार जोशी की नियुक्ति हो चुकी है जनवरी महीने में। तो ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से आप इसका उत्तर देंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम के श्रीकांत है और गुरुग्राम में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले साल यानी कि 2021 में हमारे देश में एक नई महारत्न कंपनी घोषित हुई है और इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जरूर ध्यान रखिएगा, रविंदर कुमार ढिल्लन इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हमारे देश के जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो इस समय हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के, क्या नाम है उनका? तो इनका नाम है NV रमन्ना। क्या नाम है? NV रमन्ना और ये हमारे भारत के इस समय चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो हर्ष चौहान इस समय इसके अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें यानी कि जो हमारे SC कम्युनिटी के लिए है, इसके हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय संपला। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं, अगर आपसे अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं विजय संपला। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पिछले साल ही अपॉइंट हुए हैं, नाम है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें यानी कि NCBC की बात करते हैं तो जो भगवान लाल साहनी हैं वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि NCBC के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है भगवान लाल साहनी। फिर बात करते हैं इस समय हमारे देश के जो 14वें नंबर के कैग हैं। कैग एक हमारा संवैधानिक पद होता है जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया है और जो इस समय हमारे 14वें नंबर के कैग हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है, जो कि आपके जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल भी रहे थे।
फिर बात करते हैं 25वें महालेखा नियंत्रक की यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। तो ध्यान रखिएगा, इस पद पर है दीपक दास, पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो हमारे देश के जो 25वें महालेखा नियंत्रक हैं इनका नाम है दीपक दास। आगे बात करेंगे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भी एक संवैधानिक पद होता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। और इस पद पर इस समय है के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। तो ये इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें यानी कि जो इस समय हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तो इनका नाम है तुषार मेहता, और ये आपके महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयोग के बारे में जो प्रावधान है वह आपको अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में देखने को मिलेंगे। और इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र इनका नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी सहायता के लिए दो हमारे अन्य आयुक्त भी होते हैं। किसकी? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सहायता के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक आपके राजीव कुमार है। एक का नाम क्या है वह आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो इस पद पर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। आगे बात करते हैं इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसरो के जो हमारे प्रमुख हैं वो अभी आपके जनवरी में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, और इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ के सिवन जी के स्थान पर अब हमारे इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। फिर बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ जिसने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम जी सतीश रेड्डी है, तो ये आप सभी को याद ही होगा। आगे बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और परेश रावल इस समय इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? परेश रावल इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो 2020 में इसके अध्यक्ष बने थे अवीक सरकार, और 2021 में एक बार फिर से इसके अध्यक्ष अवीक सरकार ही बने हैं। तो ध्यान रखिएगा पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अवीक सरकार। आगे बात करेंगे एसोचैम की यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो एसोचैम के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल एसोचैम के अध्यक्ष हैं। फिक्की की बात करें यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो दिसंबर में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाम इनका संजीव मेहता है। क्या है? संजीव मेहता है, और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के सीएमडी हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जो सीएमडी हैं संजीव मेहता, ये आपके फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे ट्राई की यानी कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो हमारे नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है पीडी वाकिला। वैसे इनकी अपॉइंटमेंट 2020 में ही हुई है। यूपीएससी की बात करें यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो इसके बारे में भी आपको प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में देखने को मिल जाएंगे। और इस समय जो इसके प्रमुख हैं ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष इस समय ओम बिरला साहब हैं, जो कि आपके राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो इस पद पर है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ये इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे बात करते हैं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष हैं उनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल लास्ट में हुई है, और नाम इनका विवेक जौहरी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा एम अजीत कुमार हमारे सीबीआईसी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके स्थान पर विवेक जौहरी नए अध्यक्ष इसके बने हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी को पता होगा सौरभ गांगुली, जिन्हें हम लोग दादा के नाम से भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं, ये इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं बीएसएफ के चीफ की यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो बीएसएफ के जो हमारे चीफ हैं इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह, और ये हमारे सीमा सुरक्षा बल के इस समय प्रमुख हैं।
आगे बात करते हैं ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। तो इसके जो महानिदेशक हैं उनका भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुआ है और नाम इनका है संजय अरोरा। आप सभी को पता होगा जो SS देसवाल साहब हैं वो काफ़ी समय तक हमारे ITBP के महानिदेशक रहे थे और अब उनके स्थान पर संजय अरोरा इसके महानिदेशक बन गए हैं। फिर बात करते हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो CRPF के जो हमारे इस समय महानिदेशक हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह इनका नाम है। फिर बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स जो कि हमारे यहाँ का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसी का हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं उनका नाम है पी चंद्रन नायर। तो पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी सुखदीप सांगवान जी के स्थान पर। तो पी चंद्रन नायर इस समय हमारे असम राइफल के महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के जो इस समय हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इनका नाम है और ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। CISF के नए प्रमुख की बात करते हैं यानी कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है तो इसके नए प्रमुख नवंबर में अपॉइंट हुए थे। नाम इनका है सीलवर्धन सिंह। क्या नाम है? सीलवर्धन सिंह और ये हमारे CISF के इस समय महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो NSG के जो इस समय हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है MA गणपति। क्या नाम है? MA गणपति और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इस समय महानिदेशक हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो हमारी नई अध्यक्ष हैं वो आपके दिसंबर में ही अपॉइंट हुई हैं। नाम है अलका उपाध्याय। तो ये देख सकते हैं अलका उपाध्याय जी जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं UIDAI यानी कि जो आपके आधार वाली बॉडी है इसके जो नए CEO पिछले साल बने हैं इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग। ये हमारे UIDAI के नए CEO बने हैं। फिर बात करते हैं रा के हमारे इस समय चीफ कौन है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा रा के जो इस समय प्रमुख हैं इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है? सामंत गोयल इस समय हमारे रा के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के हमारे प्रमुख कौन हैं यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन हैं। तो ये भी हमारे दिसंबर लास्ट में अपॉइंट हुए हैं। नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है और ये हमारे कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं। फिर बात करते हैं NASSCOM की यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। तो पिछले साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नाम इनका है रेखा M. मेनन। IB की बात करें यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो अरविंद कुमार इस समय हमारे IB के चीफ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं RBI के हमारे इस समय गवर्नर कौन है। तो RBI की बात करें जो कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुई थी इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं इनका नाम शक्तिकांत दास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। SBI के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ये आप लोग देख सकते हैं दिनेश कुमार खारा भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं हमारे जो इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं इनकी भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुई है और नाम इनका है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इस समय हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। BARC के निदेशक की बात करें यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसके निदेशक हैं अजीत मोहंती। तो ये जो संस्था है 3 जनवरी 1954 को बनी थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो यह जो नियुक्ति है वह भी आपके जनवरी 2022 में हुई है और इस पद पर आ चुके हैं। नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी। ये आप लोग देख सकते हैं विपिन कुमार त्रिपाठी अब हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। चलिए कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन कौन से साल किया गया था। फिर बात करते हैं प्रसार भारती के CEO कौन है। तो शशि S. वेम्पति। क्या नाम है? शशि S. वेम्पति ये हमारे प्रसार भारती के इस समय CEO हैं। आगे बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की यानी कि जो हमारे यहाँ पर SSB है।
तो SSB के जो महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद, वो आपके सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उनके स्थान पर जो ITBP के संजय अरोरा साहब हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। फिर बात करते हैं कि भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है सुरेश N. पटेल। ये देख सकते हैं सुरेश N. पटेल हमारे भारत के इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, तो जो 15वां वित्त आयोग है इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है NK सिंह। क्या नाम है? NK सिंह। ये हमारे 15वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं। 7वें वेतन आयोग की बात करें, यानी कि जो 7th पे कमीशन है, इसके हमारे प्रमुख हैं, नाम है अशोक माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर। ये हमारे 7वें वेतन आयोग के समय अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि हमारे देश के जो इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, बिल्कुल अभी इनकी ताज़ा नियुक्ति हुई है, लगभग 3 से 4 दिन पहले, और इनका नाम है B. अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? B. अनंत नागेश्वरन। ये हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। आप सभी को पता होगा कि K. सुब्रमण्यम साहब इससे पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लगभग 2 से 3 महीने पहले, और अब इनके स्थान पर B. अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। आगे बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो इस पद पर है अजीत डोभाल साहब। कौन है? अजीत डोभाल। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आगे बात करते हैं महिला आयोग की, तो महिला आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। इनको पिछले साल कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष की बात करें, यानी कि NIA की बात करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम कुलदीप सिंह है, यानी कि जो हमारे CRPF वाले कुलदीप सिंह हैं, इन्हीं को एडिशनल चार्ज मिला हुआ है NIA के अध्यक्ष पद का। आगे बात करते हैं SEBI के प्रमुख कौन है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो इनका नाम है यहाँ पर अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी, जो कि इस समय हमारे SEBI के प्रमुख हैं। SIDBI की बात करें, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम शिवा S. रमन है। क्या नाम है? शिवा S. रमन इनका नाम है, तो जरूर ध्यान रखिएगा ये SIDBI के प्रमुख हैं, और SIDBI का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में। फिर बात करते हैं कि हमारे नौसेना के इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, यानी कि नौसेना के प्रमुख कौन है, तो इनका भी अपॉइंटमेंट पिछले साल हुआ है, नाम है R. हरिकुमार। क्या नाम है? R. हरिकुमार, और ये हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। थल सेना के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोज मुकुंद नरावने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरावने, ये हमारे इस समय थल सेना के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं CBI की, यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो CBI के जो हमारे पिछले साल महानिदेशक बने थे उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये हमारे CBI के समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं IRPFS की, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम अरुण कुमार है। क्या है? अरुण कुमार, ये हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के समय प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे देश के पहले लोकपाल हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की जाँच के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे देश के पहले लोकपाल हैं और आज तक यही हमारे लोकपाल हैं। फिर बात करते हैं CBDT की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसके भी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पिछले साल ही अपॉइंट हुए हैं, नाम इनका है JB मोहपात्रा। तो ध्यान रखिएगा JB मोहपात्रा इस समय हमारे CBDT के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो हमारे यहाँ पर है, जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह देश का कोई न्यायाधीश जो होता है जो सेवानिवृत्त हो गया हो, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय हमारे NGT के प्रमुख हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो ये NGT होती है वह आपके एक प्रकार से ट्रिब्यूनल की तरह से ही काम करती है। आगे बात करेंगे CPCB के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो CPCB के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है। आगे बात करेंगे कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के जो प्रमुख हैं इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंतला इनका नाम है।
आईसीएमआर के महानिदेशक की बात करें यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है बलराम भार्गव। ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर के जो महानिदेशक हैं बलराम भार्गव और नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंतला। फिर बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, यानी कि जो आपको पुणे में देखने को मिलेगा, इसके अध्यक्ष 2020 में बने थे और इनका नाम है शेखर कपूर। क्या नाम है? शेखर कपूर। ये हमारे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आरबीआई के चौथे नंबर के उप गवर्नर की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल हुई थी मार्च या अप्रैल के आसपास और नाम इनका है टीवी शंकर। चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो हमारा आरबीआई है उसमें टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक का नाम तो टीवी शंकर है, बाकी 3 अन्य के नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है, लेकिन अगर हम लोग इसके सीईओ की बात करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल के लास्ट में हुई है जिनका नाम है राधिका झा। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस पद पर आ चुके हैं हमारे ए के गोयल। ये भाई मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, तो ए के गोयल आए हैं, ध्यान रखिएगा ए के गोयल हैं, राजकिरण राय अब नहीं रहे हैं, ए के गोयल भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष हमारे बन गए हैं। आगे बात करेंगे कि हमारे इस समय कैबिनेट सचिव कौन है, तो आप सभी को पता होगा राजीव गौबा हमारे देश के इस समय कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो बृज कुमार अग्रवाल इस समय हमारे देश के लोकपाल सचिव हैं। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इस पद पर है तरुण बजाज, तो ध्यान रखिएगा तरुण बजाज इस समय हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव की बात करें यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो इस पद पर है टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन इस समय हमारे वित्त सचिव हैं। आगे बात करेंगे विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे गृह सचिव हैं। आगे इसी प्रकार से स्वास्थ्य सचिव की अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं इनका नाम राजेश भूषण है। क्या नाम है? राजेश भूषण इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। पीएम के प्रधान सलाहकार की बात करें तो पीएम के जो इस समय प्रधान सलाहकार हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। क्या नाम है? प्रदीप कुमार सिन्हा पीएम के प्रधान सलाहकार हैं। अब बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन की बात हो जाए तो इसकी जो महानिदेशक हैं इनका नाम नगोजी ओकोंजो इवेला है और ये नाइजीरिया देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर है नजहत समीम और ये फिजी देश से हैं। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इस समय महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर है अब्दुल्ला साहिद जो कि हैं मालदीव से। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम टेड्रस अदनाम है, ये इथियोपिया देश से हैं। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं। हमारे देश की जो मुख्य अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ वो इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनी हैं, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं बल्गारिया देश से। आगे बात करेंगे कि विश्व बैंक के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो डेविड माल्पस जो कि अमेरिका के हैं वो इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि आते हैं न्यूजीलैंड देश से। और जेफ एलार्डिस, ध्यान रखिएगा नाम जेफ एलार्डिस नाम है, जो कि इसके नए सीईओ बने हैं। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो कार्यकारी निदेशक बनी है, ध्यान रखिएगा इनका नाम इंगर एंडरसन है, ठीक है, इंगर एंडरसन है और ये डेनमार्क देश से हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करते हैं तो इनका नाम अकीम स्टीनर है और ये आते हैं ब्राजील देश से। कहाँ से? ब्राजील देश से हैं अकीम स्टीनर। आगे बात करेंगे यूनेस्को की महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम आद्रे एजोले है और ये आपके फ्रांस देश से ही आती हैं। फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो फीफा के जो इस समय अध्यक्ष हैं यानी कि जो फुटबॉल को दुनिया में गवर्न करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है तो इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं और ये आते हैं स्विट्जरलैंड देश से। फिर बात करेंगे एडोबी कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं, ये 2007 से ही एडोबी के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं, नाम है शांतनु नारायण, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अंक टाट की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी पिछले साल नई महासचिव अपॉइंट हुई हैं, नाम इनका रेबिका ग्रीन स्पैन है और ये है कोस्टा रिका देश से।
आगे बात करेंगे ट्विटर कंपनी के जो नए सीईओ बने हैं, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल। क्या नाम है? पराग अग्रवाल। ये ट्विटर कंपनी के नए सीईओ बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, अगर हम उनकी बात करें तो टी एस तिरुमूर्ति साहब, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट हुए हैं। फिर बात करते हैं टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ कौन बने हैं, तो मतलब कौन है, तो ये आप सभी को पता होगा, इलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कंपनी के इस समय सीईओ हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम है मार्कस प्राडो ट्राइजो और ये हैं ब्राज़ील देश से। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। इसकी PDF आप kbguruji.in या फिर kbguruji टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।